वेलकम बैक टू राखीज यूनिक फूड। आज हम बनाएंगे आलू लच्छा नमकीन। आलू लच्छा नमकीन खाने में बहुत ही टेस्टी और डेलीशियस लगती है। खास बात यह है कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो बड़े साइज के आलूओं के छिलके निकाल के और इन्हें पानी में भिगो के ले लिया। इससे हमारे जो आलू हैं वो काले नहीं पड़ते हैं। अब हम आलूओं के लच्छे तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम एक बर्तन में पानी ले लेंगे और इस तरीके से आलूओं को कद्दूकस करेंगे। यहाँ पर जो आलूओं को आप कद्दूकस करते जाएं तो पानी में ही गिरने चाहिए, इससे आपके जो लच्छे हैं वो काले नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों आलूओं को मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। अब मैं इन्हें 3 से 4 बार के लिए अच्छे से वॉश करके ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इन्हें 3 से 4 बार के लिए अच्छे से वॉश करके ले लिया है। आप देख सकते हैं हमारे एकदम परफेक्ट लच्छे तैयार हुए हैं। अब हम इनमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे सुखाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रे पर टॉवल डाल के ले ली है। अब मैं इस पर जो लच्छे मैंने तैयार किए हैं वो सबरे फैला दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर सभी लच्छे मैंने इस पर ट्रे पे फैला दिए हैं। अगर आप इन्हें इंस्टेंट बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से टॉवल से पोंछ सकते हैं, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है तो मैं इन्हें 10 से 20 मिनट के लिए पंखे की हवा में छोड़ देती हूँ। इससे हमारे जो लच्छे में पानी है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर 10 से 20 मिनट हो गए हैं और मेरे लच्छे हैं वो अच्छे से सूख गए हैं, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं लच्छों को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ पर जो ऑयल गर्म होना चाहिए वो एकदम हाई गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप मूंगफली। आप चाहें तो मूंगफली डाल सकते हैं, नहीं तो इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। अब हम मूंगफली को 1 मिनट के लिए ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करेंगे। मूंगफली बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी मूंगफली है वो फ्राई हो गई है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली है वो हमने निकाल ली है। अब हम लच्छे फ्राई करेंगे। लच्छे फ्राई करने के लिए हम इसमें थोड़े थोड़े करके लच्छे डालेंगे। ध्यान रहे आप एक साथ लच्छे नहीं डालिएगा। तो इस तरीके से हम इसमें लच्छे डाल देंगे और डालने के बाद हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही डले रहने देंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए, जो हमारे लच्छे हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं बड़े ही क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो आप जब भी लच्छे निकालें तो टिश्यू पेपर पर ही निकालिएगा, क्योंकि इनमें काफ़ी सारा एक्सेस ऑयल होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम दूसरा वाला बैच फ्राई करेंगे। तो सेम यही प्रोसेस है, लच्छे डालेंगे हम और डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इनको भी फ्राई होने देंगे। मैं अपने चैनल पर व्रत की और भी रेसिपी बना चुकी हूँ, तो उनका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए, हमारे दूसरे लच्छे भी फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी मूँगफली और आलू के लच्छे हैं वो फ्राई हो गए हैं और आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है, जले भी नहीं है, एकदम परफेक्ट फ्राई हुए हैं। अब हम झटपट से नमकीन बना लेते हैं। तो नमकीन बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें जो मूंगफली और लच्छे हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मूंगफली और लच्छे हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। काली मिर्ची पाउडर को हम स्प्रिंकल करते हुए डालेंगे, इससे हमारे पूरे लच्छों में अच्छे से हो जाएगा ये। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सेंधा नमक, ये व्रत वाला नमक है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 करी पत्ते जिन्हें मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है, इससे हमारी जो नमकीन है वो काफ़ी खूबसूरत दिखेगी। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। तो इस तरीके से हमारी झटपट से आलू लच्छा नमकीन बनके तैयार हो गई। बहुत ही डिलीशियस लगती है, आप इसे बना के लंबे समय तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। आपको जब भी हल्की फुल्की भूख लगती है या कुछ नमकीन खाने का मन करता है तो आप इसे निकाल के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से झटपट बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। सो गाइस, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। मैं अपने चैनल पे ऐसी न्यू न्यू रेसिपी बनाती रहती हूँ, तो उनका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन स्क्रीन में दे दिया, तो आप देख सकते हैं आ रही होंगी। आप इनको भी जाके इन्जॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।